नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं एक आउटडोर व्लॉगिंग के लिए। आउटडोर व्लॉगिंग में हम लोग एशियन पेंट का एक कोविड के बाद क्या स्टैंड है, किस तरीके से मार्केट में आके एक्टिविटीज़ करती है, किस तरीके से क्या नया करना चाह रही है, वो सब चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आज एशियन पेंट का प्रयागराज में एक बहुत बड़ा इवेंट लग रखा है, उस इवेंट को कवर करने के लिए चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या इवेंट है और किस तरीके से प्रमोशन कर रही है और किस तरीके से पेंटर मीट और एक कॉन्ट्रैक्टर मीट और एक एग्जीबिशन करती है। आइए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं फिर। चल रहे हैं कि एशियन पेंट की जो एग्जीबिशन लगा हुआ है इलाहाबाद में, उसी को देखने चल रहे हैं कि किस तरीके से एशियन पेंट इसका सेटअप लगाई है, किस तरीके से नए प्रमोशन को लेके आगे आई है और क्यों एशियन पेंट नंबर वन रहती है। वो क्योंकि ये सब चीज़ें करती रहती है इसलिए वो नंबर वन रहती है। तो आइए चल रहे हैं, अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं एशियन पेंट के एग्जीबिशन में, जो कि एशियन पेंट आज इलाहाबाद में लगा रखी है प्रयागराज में। हम लोग चलते हैं एग्जीबिशन के अंदर, किस तरीके से क्या है आइए देखते हैं। आइए नहीं चले दो, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने अपने एग्जीबिशन में हम लोग आ जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेंटर हैं या आप नॉर्मल कोई भी हैं जिनको पास अगर कोई आईडी होनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस तरीके से एक आईडी मिलेगी, जिससे कि जिसके बाद ही हम लोग फिर अंदर जा सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या है स्टॉल। यहाँ पे एशियन पेंट का ये एक सिग्नेचर बना हुआ है और देखने में सुंदर लगता है। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं जो एग्जीबिशन का क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट का स्टॉल है। यहाँ पे अल्टीमा प्रोटेक्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से फिनिश आ रही है अल्टीमा प्रोटेक्ट की, अल्टीमा प्रोटेक्ट क्या है, कैसी इसकी फिनिश है, किस तरीके से क्वालिटी है, 10 साल की वारंटी कंपनी की, फिनिश किस तरीके से दिखाई गई, किस किस चीज़ों में अल्टीमा प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन देता है, सन से, डस्ट से, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये स्टॉल पे एक्चुअल में बताया जा रहा है कि अल्टीमा प्रोटेक्ट एशियन पेंट का एक प्रीमियम एक्सटीरियर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में किस तरीके से खूबियाँ होती है उसके बारे में हम लोग ने जाना। और अल्टीमा प्रोटेक्ट किस तरीके से धूप से बचाता है, 10 साल की वारंटी देता है और कंपनी की जो लाइफ है, जो कलर लॉक टेक्नोलॉजी एशियन पेंट इसको यूज़ कर रही है वो 10 साल के लिए है। कुछ एक्टिविटीज़ भी बनाई गई है जिसमें कि लोग चढ़ के इस तरीके से फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। ये सब एक्टिविटीज़ें चलती रहती हैं इसमें। फिर इसके बाद पिछले साल कंपनी ने लॉन्च किया था एप्कोलाइट का ऑल प्रोटेक्ट, जो उसका स्टॉल है। पूरे ऑल प्रोटेक्ट किस तरीके से भी चल रही है, इसका एक व्यूज़ किस तरीके से नए पेंट में क्या दिखाया है, कहाँ लगाया है। एक फायर प्रूफ पेंट है कि अगर हम नॉर्मल किसी घर पे नॉर्मल पेंट लगाते हैं या एप्कोलाइट ऑल प्रोटेक्ट लगाते हैं तो फायर में थोड़ा इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ती उसमें, तो एक रिव्यू दिखाया गया है। और ऑल प्रोटेक्ट की पूरी ब्रांडिंग, क्या क्या इसमें इसके फ़ायदे हैं इस पेंट को लगाने के लिए, एक्सीलेंट फ्लेमनेस है, जल्दी आग नहीं पकड़ता और स्टेन गार्ड्स है, धूल वगैरह नहीं बैठती है, लोटस बिंडिंग है जिसमें कि पानी का छिट्टे जब हम मारेंगे ना दीवालों पे तो वो जाके जैसे फूल और फूलों पे जाके पानी की बूंदें बन जाती हैं, वो उस तरीके से आएगी और एक फ्रेगनेंस हल्की सी महक आती रहती है।
लेकिन कई कई लोग को ये महक पसंद नहीं आती है, तो हम लोग ये देखते हैं स्टैंड किस तरीके से हटाते हैं बॉस। एक बार टेक्नोलॉजी का इससे पता चलेगा, मतलब जिस तरीके से कमल में पानी की बूंदें एब्जॉर्ब नहीं होती, पानी की बूंदें निकल जाती हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी उसी तरीके से पानी की बूंदें डालेंगे, हाँ बूंदें बन जाएंगे, बूंदें बन जाती मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब ये देखिए, जो इसमें वो भी दाग धब्बा लगेंगे आसानी से ये शू पॉलिश है, जो कि शू पॉलिश उन्होंने लगाया है इसे, और नॉर्मल एक गीले कपड़े को करने के बाद, गीले कपड़े के बाद एकदम आराम से पोंछ दिया, और ये तो ये बोर्ड लगाया साफ हो गया, सूखने के बाद फिर आपका एकदम परफेक्ट तरीके से परफेक्ट। बाकी और किसी कंपनी में आप कंपेयर में करते हैं तो वो बट ये है कि कलर दोनों सेम लेना चाहिए थे ना, तो आप हाँ हाँ नहीं नहीं अभी क्या है लोगों को ये महसूस होने लग जाएगा कि अगर वाइट में गंदगी जल्दी पकड़ लेती है, तो यहाँ पे तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कलर तो दोनों सेम रखना चाहिए था ना, हो सकता है दूसरी कंपनी का हो, ठीक है नहीं पकड़ रहा है। दोस्तों ये जो अभी इस स्टॉल के सामने हम खड़े हैं वो एपेक्स अल्टीमा का स्टॉल है, अभी तक एपेक्स अल्टीमा केवल दो ही वेरिएंट में आता था, एपेक्स अल्टीमा, अल्टीमा प्रोटेक्ट, जो भी अभी हमने प्रोटेक्ट आपको दिखाया, तो अल्टीमा के अंदर भी अब दो वेरिएंट आ गए हैं, अल्टीमा जो नॉर्मल और अल्टीमा, ये जो अल्टीमा स्ट्रेच करके आया हुआ है, इसमें क्या है कि ये अभी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी की, इसमें डस्ट पिकअप रेजिस्टेंस है, धूल वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करता है, जाके धूल अगर आपके घर पे पड़ी है तो धूल जाके चिपक नहीं जाएगी आपके दीवालों पे, क्रैक बेंडिंग करता है अगर दीवालों पे, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दीवार अगर क्रैक करती है ठंडियों में, या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है दीवार सिकुड़ती है, तो उसमें क्रैक्स पेंट में बनने लग जाते हैं, तो वो ये पेंट ऐसा होगा कि जो कि पेंट ही स्ट्रेच कर जाएगा, बट ये है कि दीवालों पे स्क्रैच नहीं आने देगा, क्रैक नहीं आने देगा। 7 साल की कंपनी परफॉर्मेंस वारंटी दे ही रही है इसमें, ये तो अल्टीमा में भी दे रही है और इसमें भी दे रही है, थोड़ा सा अल्टीमा और एपेक्स अल्टीमा और अल्टीमा में थोड़ी सी शीन की फ़र्क है, जो कि कस्टमर ने हमारे बताया है कि एपेक्स अल्टीमा में शीन थोड़ी सी ज़्यादा है और इसमें इसमें थोड़ी शीन कम है, बट आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें कहीं भी शीन कम है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा जो कंपनी बता रही 7 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, वो तो है ही, कलर लॉक टेक्नोलॉजी है, एक अच्छा स्टॉल बना रखा गया है। इनवेंट का जो सबसे प्रीमियम लग्जरी इमल्शन अभी लॉन्च किया है कंपनी ने, वो अभी रॉयल ग्लिट्स लॉन्च किया है, और इसके कुछ सिग्नेचर कलर हैं और उसके कुछ अलग सी डिज़ाइनें हैं, उसकी फिनिश कैसी है क्या है वो देख सकते हैं इस वाले रॉयल ग्लिट्स के, पूरा एक अलग सा डिपार्टमेंट बना रखा गया है रॉयल ग्लिट्स, उसकी फिनिश, इसके इसकी डिज़ाइन कैसी आती है, ये जो सारे जो कलर हैं रॉयल ग्लिट्स के, स्पेशली सव्यसाची ने इसको डिज़ाइन किए हैं, सारे कलर को सव्यसाची ने इसको अलग से डिज़ाइन किए हैं, इसके जो कलर, इसकी जो डिज़ाइन जो आएगी, जो फिनिश इसकी एक्चुअल में आएगी, और इसकी जो ये सारे जो 4 सिग्नेचर कलर हैं, एक्चुअल में ये 32 कलर का एक पूरा एक बंच और बुक आएगी, आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरीके से नॉर्मल और ये नॉर्मल फिनिश ग्लिट्स फिनिश के बाद कि एक्चुअल में ब्राइटनेस फिनिशिंग बहुत बढ़ जाती है रॉयल ग्लिट्स में, और यहाँ ग्लिट्स के बारे में बताया गया कि अल्ट्रा सीन टेफ्लॉन किड और सैटन रिफ्लेक्टिंग पेंट है, इस तरीके से कंपनी का एक अभी नया कैटलॉग आएगा, और आप यहाँ पे लगा के भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फिनिश आएगी रॉयल ग्लिट्स के, अगर आपको लगाना भी चाहते हैं। तरीके से आप ये लगा के भी पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट फिनिश
फिनिक्स टीम को लेके अपना एक पर्सनल रिव्यू। ये पूरी वॉल पे रॉयल ग्लिट्स लगा रखा गया है, जो इसकी टेफ्लॉन फिनिश क्वालिटी कंपनी कहती है वो लगने पर एक्चुअल में ऐसी फिनिश आती है। अभी तो यहाँ इतनी लाइट लग रही है तो आपको ये लग रहा होगा कि इतनी शीन कर रही है, इसकी चमक इतनी परफेक्ट है। बट ये है कि जब से मार्केट में आया है तो डिमांड तो एक्चुअल में बढ़ी है, रॉयल ग्लिट्स लोग मांग रहे हैं। और मेरी पर्सनल भी ये है कि अभी जब रॉयल शाइन अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी जगह अपग्रेड करके रॉयल ग्लिट्स लगा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वाले किसे उसमें चलते। तो अभी हम जो स्टॉल के पास खड़े हैं वो है ट्रू केयर, और मशीनें जो आती हैं आपको घर को पेंट करने के लिए, जो मशीनें आती हैं आजकल कॉन्ट्रैक्टर इसको यूज़ कर रहे हैं, जो सारी मशीनों को वो दिखाया गया है इसमें। देखिए सबसे जो पुट्टी लगाने के बाद जो हम लोग दीवारों की घिसाई करते हैं इससे के लिए सैंडिंग मशीनें होती हैं, उसमें बहुत आसानी से ये पेपर इसमें से निकल जाता है और इसमें इस पेपर को निकाल के हम इस पर आसानी से चिपका देते हैं। और इसमें ये जो छोटे छोटे छेद बन रखे हैं इस छेद से सारे जो धूल होंगे वो एब्जॉर्ब करके एक नीचे थैली लगी रहती है वहाँ पे वैक्यूम कर देता है इस चीज़ का। इस तरह से टूल के लिए है। दूसरा ये पुट्टी सैंडिंग मशीन, पुट्टी मिक्सिंग मशीन है। दूसरा तीसरी मशीन ये है जो अपना वुड स्टैंडिंग करने की स्टैंड करने के लिए है। और वुड की अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें मजा ही आप लोगों को पता है कि बहुत ही टफ होती है। उस टफिंग को उसको आसान बनाने के लिए मशीन है तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसकी जो बनावट है और जो वेटेज है वो बहुत हल्की है तो जिससे काम चल जाता है। दूसरा एक ये मशीन आप लोगों ने देखी होगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, अल्ट्रा के नाम से ग्रैको। शुरू में जो इसकी MRP कंपनी ने 50,000 रुपये रखी थी लेकिन बाद में अब कम हो गई है। सब कुछ बेस्ट है, लगने में बहुत बढ़िया है, बस थोड़ी सी कमी है कि इंटीरियर प्रोडक्ट के लिए है और इसमें रॉयल और इंटीरियर जो भी प्रोडक्ट को हम इसको यूज़ कर सकते हैं बट एक्सटीरियर प्रोडक्ट को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान देने की बात है। इसके बाद हम लोगों का जो नया सेगमेंट आता है वो रॉयल शीन, रॉयल लग्जरी वर्ल्ड का जो रॉयल का जो है, यहाँ पे दिखाया गया कि कितने तरीके के रॉयल आते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल अपना रॉयल नॉर्मल जो चला रहा है लाल रॉयल लग्जरी के नाम से। दूसरा आता है रॉयल एडवांस वो रेंज है जो कि कंपनी के सिलेक्टेड काउंटर में मिलता है। फिर रॉयल शेन, रॉयल शाइन, रॉयल मैट, ये रॉयल की ही जो फैमिली है उसके ही ये प्रोडक्ट है। और टेफ्लॉन कोटेड पेंट है ही ऑलरेडी, टेफ्लॉन कोटेड पेंट है, बेस्ट इन क्लास। और सैटन फिनिश चाहिए, मैट फिनिश चाहिए और एडवांस फिनिश चाहिए, वो सभी रॉयल के जो भी इसमें हैं। दूसरा यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर हम लोग रॉयल का ऐसा पेंट कराना चाहते हैं जो एंटी बैक्टीरियल है, उसके लिए रॉयल हेल्थ शीट, तो एक अच्छा सा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि जिसमें रॉयल लगाने के बाद कितनी लग्जीरियस आपको महसूस होगी, तो गेम वगैरह के लिए कंपनी दी गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेक्चर वाले स्टाइल में। हाँ फिर रॉयल का ये जो है रॉयल प्ले और उसका ये टेक्चर का है कि कितने तरीके के जो नया टेक्चर आ रहा है, किस तरीके से आप यहाँ बना के एक आध दो डिज़ाइन सीख भी सकते हैं। और ये सब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको कपड़ों में बनाया है, कपड़ों से बनाया है। और दूसरा ये किस किस टूल से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो एक टेक्चर की फिनिश एक्चुअल में कैसी आती है वो यहाँ पर शो करी गई है। और ये ओवरऑल एक लुक बनाया गया है कि कैसा लग रहा है रॉयल प्ले। रॉयल प्ले का जो नया एक कॉन्सेप्ट है वो ताना बाना, वो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनें करके लाई, जो एकदम नया उसके टूल्स ये दिखाए गए हैं। इस टूल से डिज़ाइन बन रही है, इस रोलर से डिज़ाइन बन रही है। ये डोर रोलर तो शायद हमारे ख्याल से आप भी बना सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर ना थोड़ा सा जानकार, करना कुछ नहीं है, नॉर्मल रोलर को काट के बना दिया गया, बट ये कंपनी से बना बनाया भी आता है ये रोलर। तो दोस्तों ये है एक थोड़ा सा एशियन पेंट का एग्जीबिशन, हम थोड़ा सा आपको एक ऐसे अब पूरा एक सर्वे दे देते हैं, एक बार पूरा घुमा के दिखाते हैं कि कैसा होता है।